गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 280 इज टू बी यूज टू अवार्ड फोर प्राइजेस। मतलब 280 रुपीज को आपको फोर प्राइजेस, मतलब फोर स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब हमें टोटल पता चल चुका है कि हमारे पास टोटल कितना है, 280 रुपीज़। यही तो होता है, देखिए जैसे स्टेटमेंट हमारे सामने आता है ना, वैसे ही हमको उसको पिक करना आना चाहिए। अ सम ऑफ रुपीज़ 280, तो हम तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, एपी। तो एपी में सम के बारे में बात चल रही है, तो ये कितनी टर्म्स का सम हो गया, फोर टर्म्स का सम हो गया। यहीं से क्लियर हो गया, अ सम ऑफ रुपीज़ 280 is to be used to award four prizes। मतलब 280 रुपीज़ को फोर स्टूडेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज रुपीज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइज से 20 रुपीज़ कम है। इसका मतलब कहानी किस तरह से, इस तरह से, जैसे अगर ये प्राइज 80 का है तो ये प्राइज 60 का है, तो ये प्राइज 40 का है और ये प्राइज 20 का है। इस तरह से आपकी कहानी चल रही है, ये एक एग्जांपल दिया है। अभी क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखना आप। हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइस, जैसे ये प्राइज इसके पहले वाले प्राइस से, ठीक है, ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो प्राइज है उससे 20 रुपीज कम है, ये वाला प्राइज इससे 20 रुपीज कम है, और ये वाला प्राइज इससे 20 रुपीज़ कम है। इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -20। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 80, 60, 40 इस तरह से, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, और 60 में से अगर मैं 80 को माइनस करूँगा तो मुझे पता लग गया मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, -20। तो मुझे कॉमन डिफरेंस पता लग चुका है बच्चों कितना, -20। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर डी की वैल्यू पता लग चुकी है बच्चों, -20। और मुझे एक चीज़ और पता लग चुकी है, क्या, फोर टर्म्स का सम, क्योंकि मुझे 280 को फोर स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे S4 पता लग चुका है, 280। अब मुझे क्या करना है, S4 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो S4 के लिए क्या लिखेंगे हम बच्चों, 4/2 2a प्लस 4-1 इंटू डी। Sn वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, Sn वाला फॉर्मूला एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये AP की स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 4 को आपने बच्चों पुट कर दिया, ठीक है। S4 आपको पता है कितना बच्चों, 280, तो S4 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 280 इक्वल टू 4/2, तो 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार, यहाँ तो आ गया हमारे पास 2, ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू पता ही नहीं है, ऐसे ही चलेगा, 2a प्लस 4 में से बन जाएगा बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, d से, d की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है -20। आगे देखिए, इधर दे रखा है आपको 280 इक्वल टू 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, 2a और प्लस माइनस माइनस, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60। तो आपके पास यहाँ पे आ गया बच्चों 280 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 60। अब ये 2 जो है बच्चों एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन क्या है, 280 इक्वल टू 4a माइनस 6 × 12 माइनस 120। अब क्या करना है, माइनस का 120 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a इक्वल टू -120 इधर जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 280 प्लस 120, तो 4a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 400, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 अपॉन 4, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मुझे फर्स्ट प्राइस पता लग चुका है, क्योंकि ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, और हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से कितना कम है, 20 रुपीज़ कम है, तो फर्स्ट प्राइस आएगा 100 रुपीज़ का, सेकेंड प्राइस आएगा 80 रुपीज़ का, थर्ड प्राइस आएगा 60 रुपीज़ का, और फोर्थ प्राइस आएगा 40 रुपीज़ का, और आप चाहें तो इनको प्लस करके देख लीजिए, आंसर 280 ही आएगा, क्योंकि देखिए 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 240, 240 में 40 को प्लस करेंगे तो 280, दिस इज आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है इजी क्वेश्चन, ईजी है, बस का कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज आ चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे।
तो देखिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो भी बड़ी सिंपल है और ये बोर्ड के एग्जाम में 3 times आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको पहले सुन के मजा आ जाएगा। देखिए रामकली वुड नीड रुपीज 1800। रामकली क्या चाहिए, देखिए नाम है भाई, नाम में क्या है, रामकली वुड नीड रुपीज 1800 फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स एट्सेट्रा फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो रामकली क्या चाहती है, नेक्स्ट ईयर से अपनी डॉटर को स्कूल भेजना चाहती है। अच्छा काम है भाई, अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से अपनी डॉटर को स्कूल भेजना चाहती है, उसके लिए उसको कितनी रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, 1800 रुपीज़ की, बहुत कम है, कोई बात नहीं। तो 1800 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है रामकली को नेक्स्ट ईयर से अपनी डॉटर को स्कूल भेजने के लिए। शी सेव्ड रुपीज 50 इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। रामकली ने क्या किया कि इस ईयर के फर्स्ट मंथ में, मतलब जनवरी के मंथ में कितनी रुपीज की सेविंग करी, 50 रुपीज की सेविंग करी, जनवरी में 50 रुपीज की सेविंग करी। एंड इंक्रीज्ड हर मंथली सेविंग बाय रुपीज 20 और फिर अपनी मंथली सेविंग को 20 रुपीज से इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मंथ जो है वो जनवरी वाला मंथ है, उसमें अगर रामकली ने 50 रुपीज सेविंग करी तो नेक्स्ट मंथ फेब में कितना सेव करेगी, 70, उसके बाद कितना करेगी, 90, क्योंकि 20 से अपनी मंथली सैलरी वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर अपकमिंग मंथ में उसकी सैलरी में 20 प्लस होता चला जाता है। तो 50, 70, 90 के बाद आएगा 110 कोमा डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम लिखेंगे कि ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है। तो आगे देखिए, हाउ मच मनी विल ही सेव आफ्टर अ ईयर। तो एक साल बाद रामकली कितना अमाउंट सेव करेगी, तो एक साल बाद का मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स आएगी, 12 terms, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकेंड मंथ है, तो यहाँ का जो लास्ट मंथ आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 12th month। तो यहाँ पे इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 12 है। तो इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास बच्चों कितनी है, 12 है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना है S12। तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, S12 का फॉर्मूला होता है 12/2, क्योंकि 12 terms का सम निकालना है, क्योंकि हमको हर मंथ की सेविंग बतानी है, और कब तक, पूरे होल ईयर तक, और 1 year में 12 months होते हैं। तो S12 = 12/2 आपके लिखेंगे 2a, मतलब 2 into 50, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आपको सिखा ही रखा है, 2 into 50 2a प्लस n-1, और n कितना बच्चों, 12, तो 12 में से बन जाएगा 11, 11 इंटू डी, और डी कितना है पता ही है आपको स्टार्टिंग से, 20। तो ए की वैल्यू तो आपके पास है बच्चों 50 और डी की वैल्यू आपके पास है 20, क्यों, क्योंकि हर मंथ उसकी सैलरी 20 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। तो ये आपने लिख दिया 11 multiply by 20। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, ये यहाँ पे आ गया 6, 50 को 2 से करेंगे बच्चों 100 आ जाएगा, 11 को 2 से करेंगे 22, पीछे 10 लगा देंगे, 22 में 100 को प्लस करेंगे 320, 320 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 multiply by 320। तो देखिए 6 को 0 से करेंगे 0, 6 2 12, 1 केरी, 6 3 18, 18 और 1 19, रुपीज 1920 शी विल सेव एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर के एंड में रामकली कितना अमाउंट सेव कर लेगी, 1920। Will she be able to fulfill her dream? Yes, वो अपना ड्रीम फुलफिल कर पाएगी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा बचा लिए नहीं यार उसने, तो उसने कितने बचाए, 1920, और स्कूल वाले कितनी डिमांड कर रहे थे, स्कूल वाले डिमांड कर रहे थे 1800 की, तो स्कूल वाले डिमांड कर रहे हैं 1800 की, और रामकली बड़ी मेहनत से पैसा बचा बचा के कितना पैसा सेव कर रही है, 1920। अब देखिए अगर रामकली चाहती ना तो उसका काम फ्री में भी हो सकता था, कैसे, मेरे पास आ जाती मैं उसको फ्री कर देता, ठीक है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को फ्री करना पड़ता है, रामकली को भी फ्री कर देते हैं, मैंने कहा तेरा नाम बहुत अच्छा है तुझे फ्री कर देते हैं, ठीक है भाई। तो आंसर कितना आएगा, 1920, ठीक है, और इस बात का आंसर आप क्या लिखेंगे, यस शी विल बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम, क्लियर है मेरी बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सुन के। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पायरल मतलब धागा, एक स्पायरल जो है वो सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। पहले ए को सेंटर लेके बनाया, फिर बी को सेंटर लेके बनाया, फिर ए को लेंगे फिर बी को लेंगे, ऑल्टरनेट करना है, ए को सेंटर लिया फिर बी को लिया, फिर ए को लिया फिर बी को लिया,
स्टार्टिंग विद सेंटर ए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सेंटर ए से। रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब पहला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब सेकेंड सेमी सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, थर्ड सेमी सर्कल की रेडियस 1.5 है, फोर्थ सेमी सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद वाले की क्या आएगी 2.5, उसके बाद वाले की 3, उसके बाद वाले की 3.5। इसका मतलब इन सबके बीच में कितने का गैप है, 0.5 का गैप है। आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? तो देखिए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल, ऐसे स्पायरल की लेंथ क्या होगी जो 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ हो। इसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इक्वल टू लेंथ ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो सबसे पहले तो ये बात लिखनी पड़ेगी यार भाई, हम सबसे पहले क्या बताना चाह रहे हैं, जो टोटल लेंथ है किसकी, स्पायरल की, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इक्वल टू लेंथ ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब अगर हम 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ को क्या करें बच्चों, प्लस करें, तो हमें स्पायरल की टोटल लेंथ पता लग जाएगी। अब देखिए कैसे करेंगे, जो पहला सेमी सर्कल है, पहले सेमी सर्कल की लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, L1। तो फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ L1 है, सेकंड की L2, थर्ड की L3, इस तरह से नोटेशन ले रहे हैं। तो L1, तो हमें पता है सेमी सर्कल की लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस, और सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, पाई आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेडियस का नोटेशन अपने को अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है। तो पहले सेमी सर्कल के लिए हम रेडियस बोलेंगे क्या, R1, सेकंड के लिए R2। तो जो यहाँ पे नंबर लेंगे उस हिसाब से रेडियस का नंबर ले लेंगे। तो L1 की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई R1। L2 की लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई R2। फिर L3 की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई R3। ऐसे अपने को कहाँ तक जाना है, अपने को L13 तक जाना है। तो ये प्रोग्राम कहाँ तक जाएगा, L13 तक। L13 की लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई R13, क्योंकि जो 13 हमारे पास 13th जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ को मैंने क्या बोला, L13, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R13। फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, बहुत सिंपल सा नोटेशन है। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इक्वल टू मैं लिखूंगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस .. और लास्ट वाली टर्म L13, ठीक है। और अब कैसे लिखूंगा, सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा, पाई R1, L1 की वैल्यू है बच्चों पाई R1, L2 की वैल्यू है पाई R2, L3 की वैल्यू है पाई R3 प्लस .. पाई R13। अब मज़ा क्या आ गया कि इन सभी के अंदर पाई कॉमन है, पाई कॉमन है तो पाई को कॉमन ले लेंगे। तो ये पाई कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट बनाया, इसमें लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस .. तो देखिए अब कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है और पाई के प्लेस पे लिखना पड़ेगा 22/7। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पाई की जगह तो लिख देंगे 22/7 लिख दिया, ये ब्रैकेट बनाया, R1 की वैल्यू बच्चों 0.5, R2 की वैल्यू 1 दे रखा है आपको, R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1.5 प्लस .. अब काम की बात अब आने वाली है, जो 13 सेमी सर्कल आएगा उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 6.5, क्योंकि जस्ट हाफ है, क्योंकि पहले वाले की रेडियस कितनी है 0.5, सेकंड वाले की कितनी है 1, थर्ड वाले की 1.5। इसका मतलब जो 13th सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आएगी बच्चों 6.5। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूंगा 6.5। अब देखिए मज़ेदार बात, ये बन चुकी है एक AP, दिस इज एन AP, और यहाँ पे AP की कितनी टर्म्स का सम निकालना है आपको, 13 टर्म्स का, कितने टर्म्स का सम निकालना है, 13 टर्म्स का, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और वो आपको दे रखी लास्ट वाली टर्म। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा SN = N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है ना भाई, लास्ट टर्म कितनी है 6.5। तो मैं पागलपन क्यों करूं, मैं तो वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है कितनी, 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल है। तो 22/7 अपनी जगह, यहाँ पे क्या लिखेंगे, SN का फॉर्मूला N/2 मतलब 13/2, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म वो रही, तो लिखूंगा 0.5 प्लस 6.5, और जैसे इन दोनों को प्लस करूंगा कितना आएगा बच्चों 7 आएगा। तो आंसर 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। अब देखिए ये 7 से 7 की पिक्चर खत्म,
ये 2 से 22 की पिक्चर ख़त्म, 11 बार 13 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 13 को जैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 143, और पीछे क्या लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में चल रही थी, तो 143 सेंटीमीटर, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल विच इज मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से देखिए आपको एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की 7 टर्म्स का सम हमने आपको 49 दे रखा है, और उसी एपी की, सेम एपी की हमने आपको 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। हम पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इस एपी की एन टर्म्स का सम क्या आएगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको 7 टर्म्स का सम दे रखा मतलब आपको S7 दे रखा है, और आपको 17 टर्म्स का भी सम दे रखा मतलब आपको S17 भी दे रखा है। तो दो चीज़ें पता है, एक तो S7 और एक S17। लेकिन इससे पहले आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, आपको एपी गिवन नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म को तो आपने क्या बोला बच्चों, ए, और कॉमन डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, डी। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये बात लिखनी ही पड़ेगी, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है बच्चों, डी है। अब इसके बाद आप अपनी बात करना स्टार्ट करेंगे, आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, स्टार्टिंग की 7 टर्म्स को क्या लिखेंगे, 7 टर्म्स का सम S7, तो आप लिखेंगे S7 इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, 7/2 2a प्लस 7-1 × d, 7-1 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 6d। ये आपको कितना दे रखा है बच्चों, 49 दे रखा है, पहले तो हमने ये लिखा। अब सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो दे रखा है स्टार्टिंग की 17 टर्म्स का सम, तो 17/2 ठीक है, 2a प्लस 17 में से बन जाएगा 16 बचेगा, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना दे रखा है, 289 ठीक है। तो ये दे रखा है आपको S7, ये दे रखा है आपको S17। एक बात तो यहीं से क्लियर हो गई मेरे सामने, देखिए यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 49 दे रखा है, इस 7 से ये 49 कट जाएगा 7 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इक्वेशन होती है ना, तो न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर कैंसिल हो सकता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 7 से 49 कट गया कितनी बार, 7 टाइम्स, ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में 17 से 289 कट गया 17 टाइम्स। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन मेरी फास्ट है, आपको भी करनी पड़ेगी, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से 289 17 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आपका S7 रिड्यूस होकर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे 1/2, S7 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 ठीक है। अब यहाँ पे 2 कहाँ है बच्चों, डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S7 कितना आ गया, S7 आ गया आपके पास 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, तो पहली इक्वेशन मिल गई 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ से लेके आने वाला हूँ, कैसे, यहाँ पे भी सेम पिक्चर है, S17 में मुझे क्या दे रखा है, S17 में मुझे दे रखा है 1/2, क्योंकि ये 17 से 289 17 टाइम्स कट चुका था, तो यहाँ पे 1 आएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17, 2 इधर डिनोमिनेटर में सेम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 16d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34, तो आपके पास 2a प्लस 16d इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 34, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या आई थी बच्चों आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इसको अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, और इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करना बड़ी सिंपल सी बात है मेरे लिए, मैंने आपको भी सिखा रखा है, आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2a से 2a की पिक्चर खत्म, 16d में से 6d जाएगा कितना बचेगा बच्चों, 10d क्लियर है, इक्वल टू 34 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/10, 10 से 10 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2, इसका मतलब मुझे पता लग चुका है कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब बस मुझे क्या निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर मैं एपी में कुछ भी निकाल सकता हूँ, जो भी मन करे, जो भी पूछना हो पूछो, सब बता दूंगा, डी पता लग चुका है कितना मुझे, 2, इस वाली इक्वेशन में जाके ये देखिए, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रखिए, डी की वैल्यू कितनी आई, 2, आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में कैसे लिखेंगे, 2a
2a प्लस 6d, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा इक्वल टू 14, 12 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, कहानी खत्म। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे a की वैल्यू पता लग चुकी है और मुझे जब d की वैल्यू पता लग चुकी है तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, sn, तो हमको निकालना है बच्चों sn। sn क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा sn होता है। sn क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, n बाई 2 तो n बाई 2 रहेगा बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है। a के प्लेस पे वैल्यू पुट करूँगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 ही आएगा, प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। डी के प्लेस पे क्या रखूँगा 2, ये d के प्लेस पे मैंने 2 पुट किया। सॉल्व करेंगे n बाई 2, ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों 2 प्लस 2n माइनस 2। जैसे ही ये आया और मज़ा आ गया, 2 से 2 की पिक्चर खत्म। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा 2n से, n मल्टीप्लाई बाय 2n और अपॉन में क्या आएगा 2। तो जैसे ही ये लिखता हूँ उसके बाद और मज़ा आ गया, 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज n स्क्वायर। इट मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छे से आज ये सारे क्वेश्चन घर पे जाके करना है, ठीक है भैया, बाकी कल मिलेंगे।